नीलम चुड़ेजा आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट थर्ड विषय इतिहास पेपर सेकंड के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको जैन धर्म के बारे में बताया था और उस लेक्चर में हमने विशेषकर महावीर स्वामी के जीवन और उनके सिद्धांत या शिक्षाओं के बारे में चर्चा की थी और आज हमारे लेक्चर के अंतर्गत हम जैन धर्म के प्रसार के कारणों के बारे में सबसे पहले आपसे चर्चा जो है करेंगे। देखिए, जैन धर्म ये भारत के एक बड़ा महत्वपूर्ण धर्म था और जिसका उदय आज से 2500 वर्ष पहले हुआ, लेकिन ये धर्म हमारे भारत में काफ़ी विकसित हुआ और आज भी ये धर्म हमारे भारत में जो है चल रहा है। जैन धर्म का विकास क्यों हुआ, इसका प्रसार क्यों हुआ, इसके कई कारण जो है माने जाते हैं। उनके कारणों में सबसे पहला कारण महावीर स्वामी का आकर्षक व्यक्तित्व इसको माना जाता है। विद्वानों का ये मानना है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे और इन्होंने इस धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य भी किए, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो था वो अत्यधिक प्रभावशाली था। उनके व्यक्तित्व में विशेष बात ये थी कि उनका जन्म एक राजघराने में हुआ था और एक राजघराने में और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन होने के बावजूद भी उन्होंने एक सन्यासी का जीवन जो था धारण किया और राशि सुखों को त्याग करके कठोर तपस्या की और जिसके माध्यम से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान अर्जित के बाद उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्रयास में वो जीवन भर लगे रहे और उनके इस व्यक्तित्व से लोग बड़े प्रभावित हुए और इस कारण ये धर्म काफ़ी लोकप्रिय जो था हुआ। और इसके प्रचार के कारणों का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक समानता को भी जो है माना जाता है। विद्वानों का ये कहना है कि महावीर स्वामी ने जब जैन धर्म की स्थापना की उससे पहले हमारे भारत का धर्म वैदिक धर्म था और जिस धर्म के अंतर्गत जाति को लेकर यानी कि काफ़ी मतभेद था और जिसमें प्रथम तीन वर्णों को ही सिर्फ मोक्ष का अधिकारी बताया गया था और शूद्रों को मोक्ष के अधिकार से वंचित रखा गया था, लेकिन महावीर स्वामी ने सामाजिक समानता के सिद्धांत पर बल दिया और सभी वर्गों को मोक्ष का अधिकारी बताते हुए अपने धर्म में उन्होंने स्थान दिया। इससे उनके समर्थक और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी और ये धर्म लोगों में काफ़ी विकसित जो था हुआ। इस धर्म के प्रचार के कारणों में महावीर स्वामी और प्रचारकों का योगदान जो है इसको भी हम इसका एक कारण जो है मान सकते हैं। विद्वानों का ये मानना है कि महावीर स्वामी ने जब जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया उसके अंतर्गत उन्होंने इसके प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अलग अलग स्थानों पर जाकर इस धर्म के प्रचार के लिए कार्य किए। वर्ष के अंतर्गत सिर्फ 4 महीनों को छोड़कर शेष 8 महीने तक वो इस धर्म के प्रचार और प्रसार के कार्यों में क्या थे लगे रहे और जिसके कारण इसके अन्यायियों की संख्या, इनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और ये भी इस धर्म के प्रचार का कारण जो है माना जाता है। जैन धर्म के प्रचार के कारणों में एक कारण जैन संघों की स्थापना को भी माना जाता है। यानी इतिहास से ये पता लगता है कि महावीर स्वामी ने जब जैन धर्म की स्थापना की उसकी स्थापना करने के बाद उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए चारों दिशाओं में उन्होंने 4 संघ जो थे बनाए और उन संघों में अलग अलग गंधर्वों की नियुक्ति की और उन गंधर्वों की देखरेख में उन्होंने धर्म प्रचारक नियुक्त किए और उनके माध्यम से उन्होंने लोगों तक इस धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को पहुँचाने का प्रयास किया और उनके जीवन काल में और उसके बाद भी ये कार्य जो था वो संघों के माध्यम से चलता रहा। ये भी इसके प्रचार का कारण जो है माना जाता है। जैन धर्म के प्रचार के कारणों में राजाओं का योगदान इसको भी इतिहास में हम नकार नहीं सकते। विद्वानों का ये मानना है कि महावीर स्वामी जो थे वो एक राजवंशी थे और राजवंशी होने के कारण उनका कई राजघरानों के साथ जो था संबंध था, लेकिन महावीर स्वामी ने एक सन्यासी बनने के बाद जब ज्ञान अर्जित किया और उसके प्रचार का कार्य किया उसके अंतर्गत वो कई स्थानों पर गए जिसके अंतर्गत कौशल, विदेह, मगध, अंग, काशी, मिथिला कई स्थानों का उल्लेख मिलता है कि इन स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया। कई राजाओं के साथ उन्होंने संपर्क किए, मगध के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य और दक्षिण राजाओं के अंतर्गत गंग,
चालुक्य, राष्ट्रकूट इत्यादि राजा जो थे उन्होंने इस धर्म को आश्रय दिया और इसके प्रचार के लिए कार्य किया। इससे भी यह धर्म जो था विकसित हुआ। जैन धर्म के प्रचार के कारणों में हमें बहुत से कारण मिलते हैं। उनमें एक कारण ये भी आता है कि महावीर स्वामी के बाद जो उनके समर्थक और प्रचारक थे उन्होंने इस कार्य को विराम नहीं दिया, बल्कि वो इस कार्य में क्या थे, जुटे रहे। और उनके बाद भी वो अलग अलग स्थानों पर गए, महावीर स्वामी की शिक्षाओं को लोगों के सामने रखा। यह भी इसके प्रचार का काम जो है माना जाता है। जैन धर्म के प्रचार के कारणों में जैन साहित्यकारों का योगदान ये भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी इतिहास से ये पता लगता है कि जैन धर्म जो था इसके अंतर्गत कई विद्वान हुए, जिसके अंतर्गत जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, भद्रभाव, जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र इत्यादि कई विद्वान हुए और जिन्होंने जैन धर्म को लेकर, महावीर स्वामी को लेकर, उनके जीवन को लेकर उन्होंने कई साहित्य और ग्रंथ लिखे और जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसको जानने और इसे समझने का अवसर मिला। और इस कारण भी यह धर्म जो था विकसित हुआ। जैन धर्म के प्रचार के कारणों में एक कारण जैन भाषा का प्रयोग भी माना जाता है। महावीर स्वामी का उद्देश्य जैन धर्म को आम लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने आम बोलचाल की भाषा प्राकृत और पाली भाषाएं जो थी इसका इस्तेमाल किया और इस भाषा में लोगों को शिक्षाएं दी और इसलिए इस धर्म को समझने में लोगों को अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और ये धर्म लोगों में काफ़ी विकसित हुआ। जैन धर्म के प्रचार के कारणों में एक कारण ये भी माना जाता है कि जैन धर्म जो था इस धर्म के जो अनुयायी थे, समर्थक थे, उन्होंने एक स्थान पर रहने की बजाय उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर उन्होंने बसना या रहना जो था शुरू किया, जिसके अंतर्गत उड़ीसा, दक्षिण भारत, मथुरा, उज्जैन, जूनागढ़, गुजरात, राजस्थान इत्यादि जगहों के नाम आते हैं जहाँ पर इस धर्म के अनुयायियों ने जाकर अपना जीवन व्यतीत किया, वहाँ पर रहे और लोगों को जैन धर्म के सिद्धांतों से अवगत करवाया और इससे यह धर्म काफ़ी विकसित जो था हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के जीवन काल में ये धर्म काफ़ी विकसित हुआ, उनके बाद भी ये धर्म चलता रहा। आगे चलकर यह धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर दो शाखाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये धर्म भारत के अंतर्गत अविरल गति से चलता रहा और आज भी इस धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं उनकी संख्या भारत में अधिक देखने को मिलती है। उत्तरी भारत, विशेषकर गुजरात, काठमांडू, राजस्थान, मैसूर, हैदराबाद, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर आज भी हम उनके अनुयायी और इस धर्म के प्रभाव को हम जो हैं देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये धर्म भारत का एक ऐसा धर्म था जो आज भी भारत के अंतर्गत कायम है। अब इसके बाद हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो जैन धर्म के व्यापक ना होने के क्या कारण थे। देखिए, जैन धर्म का जो समकालीन धर्म था वो बौद्ध धर्म था और दोनों धर्म एक ही शताब्दी में शुरू हुए और जिसमें जैन धर्म का विकास बहुत स्लो यानी कि बड़ी धीमी गति से हुआ और ये धर्म बौद्ध धर्म की तरह अधिक विकसित जो था नहीं हो पाया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जैन धर्म जो था अधिक विकसित क्यों नहीं हुआ, व्यापक क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण थे। इसके कारणों में भी हमें बहुत से कारण जो हैं मिलते हैं। इसके व्यापक ना होने का सबसे पहला कारण जो है वो है ब्राह्मण धर्म में आपसी मतभेद। देखिए, जैन धर्म जो था इस धर्म के अधिक व्यापक ना होने के जो कारण हैं उन कारणों में एक कारण ये भी था कि जो जैन धर्म था इस धर्म के अंतर्गत कहते हैं कि आपसी एकता का अभाव था, उसमें आपसी एकता नहीं थी और एकता ना होने के कारण इस धर्म के अंतर्गत जो फूट पैदा हुई इसके कारण लोगों के अंदर इस धर्म के प्रति विश्वास जो था कम होने लगा और इस कारण यह धर्म विकसित हुआ। और इसके अंतर्गत एक कारण हम ये भी मानते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म था, वो धर्म हमारे भारत में सदियों से चला आ रहा था और उस धर्म के प्रति लोगों का बड़ा गहरा विश्वास था और लोग उस धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस कारण ये धर्म भारत के अंदर अधिक विकसित जो था नहीं हो पाया।
इसके कारणों में एक कारण जैन धर्म के सिद्धांतों की कठोरता को भी माना जाता है। विद्वानों का ये मानना है कि जो जैन धर्म था इसके सिद्धांत अत्यधिक कठोर थे, जिसके अंतर्गत विशेषकर अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया गया था और उस अहिंसा के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सी मर्यादाएँ बताई गई थी और उस मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करना बहुत कठिन था और इस कारण ये लोगों में अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। ये भी इसके व्यापक ना होने का कारण था। जैन धर्म के व्यापक ना होने के कारणों में एक कारण राजकीय आश्रय का अभाव भी माना जाता है। देखिए, विद्वानों का ये मानना है कि जैन धर्म के बाद जब भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म आया, उस बौद्ध धर्म के आने के बाद बहुत से राजा जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया। उदाहरण के लिए अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि के नाम आते हैं, जिन्होंने विशेषकर बौद्ध धर्म की ओर उन्होंने झुकाव प्रकट किया, तन मन धन से उस धर्म को आश्रय देते हुए उसके प्रचार के लिए कार्य किए और इससे भारत में जैन धर्म का विकास जो था वो कहते बहुत कम हो गया, अर्थात ये धर्म अधिक विकसित जो था नहीं हो पाया। जैन धर्म के विकसित ना होने के कारणों में एक कारण ये भी है कि जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उसमें कठोर तपस्या के सिद्धांत के ऊपर बल दिया गया था, जिसके अंतर्गत उपवास, कायाकलेश, त्याग, अनशन, केश कुंचन, वस्त्र त्याग, अपरिग्रह इत्यादि सिद्धांत बताए गए थे। कहते कि भिक्षुओं ने तो इसका पालन किया, लेकिन ग्रस्त व्यक्तियों के लिए इसका पालन करना संभव नहीं था, इसलिए भी ये धर्म भारत में अधिक विकसित नहीं हुआ। जैन धर्म के विकसित ना होने के कारणों में एक संघों की व्यवस्था को भी माना जाता है कि जैन धर्म के प्रचार के लिए जो संघ बनाए गए उस संगठन का स्वरूप जो था राजतंत्रात्मक था और जिसके अंतर्गत विशेषकर गंधर्व और धर्माचार्य जो थे उनकी सिद्धांतों को या उनकी बातों को अधिक महत्व दिया जाता था और जिसमें आम लोगों की इच्छाओं की अवहेलना की जाती थी और इस कारण धीरे धीरे लोगों की रुचि इस धर्म के प्रति कम होने लगी। ये भी इसके सीमित प्रचार का हम कारण जो है मान सकते हैं। जैन धर्म के सीमित प्रचार के कारणों में एक कारण प्रचारकों की कमजोर भूमिका भी माना जाता है। बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अत्यधिक योगदान दिया, लेकिन जो जैन धर्म के प्रचारक थे उनकी भूमिका इस धर्म के प्रचार के लिए बहुत कम हुई और जिसके कारण वो पूर्णतः जोश के साथ, पूरी लगन और उत्साह के साथ इस धर्म के प्रचार में अपना योगदान नहीं दे पाए और इस कारण जैन और बौद्ध धर्म की जब दौड़ हुई उसमें जैन धर्म तो पीछे और बौद्ध धर्म बहुत आगे निकल गया। अर्थात बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय धर्म और भारत धर्म सिर्फ भारत की सीमाओं में ही सीमित रह गया और ये भी इसके सीमित प्रसार का कारण था। जैन धर्म के सीमित प्रसार के कारणों में एक कारण आपसी मतभेद भी माना जाता है। यानी विद्वानों का ये कहना है कि महावीर स्वामी ने जब जैन धर्म की स्थापना की उसके प्रचार के लिए उन्होंने समानता के सिद्धांत पर बल दिया, सभी जाति के लोगों को अपने धर्म में स्थान दिया, लेकिन उसके बाद जो उनके अनुयायी और समर्थक थे वो इसका पालन नहीं कर सके और धीरे धीरे ये धर्म जो था आम लोगों में से निम्न जाति जो थी उसको इस धर्म में अधिक महत्व नहीं दिया गया, समर्थकों की संख्या कम होने लगी और ये भी इस धर्म के विकसित ना होने का कारण माना जाता है। और जैन धर्म के विकसित ना होने का कारण हम जैन धर्म का विभाजन भी मान सकते हैं, यानी जिसके अंतर्गत जैन धर्म की महावीर स्वामी के बाद जब जैन धर्म की दो शाखाएं बनी, दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों शाखाओं के सिद्धांत और विचार जो थे अलग अलग थे, दोनों में मतभेद शुरू हो गया और उन्होंने एक दूसरे की आलोचना करनी शुरू कर दी और इसका जनजीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि लोगों का झुकाव इस धर्म में कम होने लगा और ये भी इसके सीमित प्रसार का जो था कारण था। और जैन धर्म के सीमित प्रसार के कारणों में एक कारण जो है वो मुस्लिम राजाओं का शासन भी माना जाता है। यानी विद्वानों का ये मानना है कि हमारे भारत के अंतर्गत 1000 ईस्वी के बाद मुस्लिम राज्य जो था प्रारंभ हुआ, तुर्कों के आक्रमण हुए, मुस्लिम राज्य प्रारंभ हुआ, कई राजवंशों ने राज्य किया और जिसके अंतर्गत
महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी जैसे राजा हुए और जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किए और उस आक्रमणों के दौरान उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में जो धर्म चल रहे थे उसको उन्होंने हानि पहुँचाना शुरू किया, जिसके अंतर्गत कई जैन मंदिरों को धराशाही किया, कई जैन मठ धोए उनको भी नुकसान पहुंचाया, कई जैन जो कहना चाहिए पुस्तकालय थे उनकी पुस्तकों को भी उन्होंने जला दिया, यानी ग्रंथ जो थे उन्हें भी नष्ट कर दिया। और इससे जैन धर्म का विकास जो था वो भारत में रुक गया, क्योंकि जैन समर्थक जो थे ये कहते हैं कि अहिंसा के पुजारी थे, वो मुसलमानों का तलवार के सामने वो उसका मुकाबला नहीं कर सके और इस कारण ये धर्म भारत के अंतर्गत जो था सीमित हो गया। जैन धर्म के सीमित होने के कारणों में, व्यापक ना होने के कारणों में एक कारण ब्राह्मण धर्म में सुधार भी माना जाता है, यानी एक कारण यह भी मानते हैं कि जब भारत के अंतर्गत वैदिक धर्म का प्रभाव कम होने लगा और जैन और बौद्ध धर्म काफ़ी विकसित होने लगे, ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो ब्राह्मण धर्म था उसके समर्थकों ने अपने धर्म के अंतर्गत सुधार करने के लिए उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए और जिन बुराइयों को लेकर जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी उन्होंने उस विकृतियों को, बुराइयों को उन्होंने दूर करके उसमें सुधार करने का प्रयास किया और जिसका परिणाम ये निकला कि ये धर्म जो था ये हमारे भारत में धीरे धीरे कम हो गया, लोग ब्राह्मण धर्म की ओर अग्रसर होने लगे और ये भी इसके सीमित प्रसार का कारण जो है माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म की देन की। देखिए जैन धर्म भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण धर्म था, इसकी जहाँ तक देन की बात आती है इसने भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ दिया, जिसमें कुछ मूल सिद्धांतों पर मैं आपका ध्यान जो है अग्रसर करना चाहती हूँ। सबसे पहली देन जैन धर्म की ये थी कि इसमें अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया गया और जिसके अंतर्गत किसी के साथ में मन कर्म वचन से ठेस ना पहुँचाने के सिद्धांत पर बल दिया गया और ये सिद्धांत आज भी भारत के अंतर्गत है। अहिंसा परम धर्म का जो सिद्धांत आता है वो इसी की देन मानी जाती है। और इसकी दूसरी देन ये है कि जैन धर्म में कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल दिया गया है और जिसमें ये बताया गया कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उसका दूसरा जन्म होता है और ये सिद्धांत आज भी भारत के अंतर्गत है और अलग अलग जितने भी धर्म हैं उन्होंने भी इस सिद्धांत पर बल दिया है, ये भी इसकी देन मानी जाती है। और इसकी देन की जहाँ तक बात आती है दार्शनिक क्षेत्र में भी जैन धर्म की देन को हम भूला नहीं सकते। स्यादवाद का जो सिद्धांत है जिसे अनेकांतवाद का सिद्धांत कहते हैं ये भी जैन धर्म की देन मानी जाती है, जिसमें एक ही बात को लेकर अनेकों वाद हो सकते हैं लेकिन उसको लेकर कभी भी यानी कि व्यर्थ में बहस या विवाद नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसका जो सिद्धांत है ये भी इसकी सहिष्णुता, उदारता ये भी इसकी देन जो है मानी जाती है। सामाजिक क्षेत्र में समानता का सिद्धांत इसे भी जैन धर्म की देन माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म में सामाजिक समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया। निर्धन लोग जो थे उनको यानी कि उत्थान करने के लिए प्रयास किए गए और जिसके अंतर्गत सार्वजनिक हित के लिए औषधालय बनाए गए, विश्राम यानी गृह बनाए गए, पाठशालाएं का निर्माण किया गया, अनेकों सामाजिक कार्य जो किए गए ये भी इसकी देन जो है मानी जाती है। और आज भी सभी धर्मों में ये जो कार्य हो रहे हैं हम इस जैन धर्म की देन ही जो है या इसका प्रभाव भी जो है मान सकते हैं। जैन धर्म की देन में साहित्यिक क्षेत्र में इसकी देन जो है वो भी मानी जाती है, यानी विद्वानों का ये मानना है कि जो जैन धर्म था उस जैन धर्म के अंतर्गत अनेकों प्रकार के विद्वान हुए, साहित्यकार हुए, इन्होंने कई तरह के ग्रंथ और साहित्य लिखे जिसमें ऐतिहासिक, धार्मिक और इसके अलावा व्याकरण को लेकर, छंद को लेकर, अलग अलग यानी कि पक्षों को लेकर अनेकों साहित्य लिखे गए। ये साहित्य आमतौर पर संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखे गए, जिनका धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है और साहित्य में भी इसकी देन जो है अद्भुत मानी जाती है। कला की जहाँ तक बात करते हैं कला में भी जैन धर्म की देन को इतिहास में अत्यधिक माना जाता है, विशेषकर भवन निर्माण कला और मूर्ति कला और चित्रकला में इसकी देन जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। जैन धर्म के अंतर्गत
जैन तीर्थंकर जो तीर्थंकर थे उनको लेकर कई मंदिर बनाए गए। मंदिरों के अलावा कई स्तूप, मठ, स्तंभ और कई गुफाओं का निर्माण किया गया। और इसके अलावा जैन धर्म के अंतर्गत तरह तरह की मूर्तियां जो थे तीर्थंकर जो थे उनको लेकर बनाई गई। आज भी वो मंदिर हमें कई स्थानों पर देखने को मिलते हैं। ये भी इसकी देन जो है मानी जाती है। अब बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में जहाँ तक बात आती है जैन धर्म की देन, उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसमें पहली देन तो ये है कि जैन धर्म में धर्म के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत पर बल देते हुए युगों का विरोध किया गया। नंबर दो, अंधविश्वासों की आलोचना की गई। तीसरा, धर्म के अंतर्गत धर्म की कुरीतियों को लेकर यानी विरोध करते हुए लोगों को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित किया गया। अर्थात जैन धर्म की जो देन है ये धर्म में ये है कि ये धर्म जो है ब्राह्मण धर्म की बजाय अत्यधिक सरल और आडंबर रहित धर्म था। और ये इसकी देन जो है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैन धर्म भारत का एक अत्यधिक प्राचीन धर्म था। इसका इतिहास में बड़ा महत्व था और आज भी है और हमेशा कायम रहेगा। अर्थात इसके महत्व को हम इतिहास में भुला जो है नहीं सकते। अब इसके बाद हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमने आज जैन धर्म के प्रसार के कारण, सीमित प्रसार के कारण और उसकी देन के बारे में आपसे चर्चा की। इसको लेकर आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इसको लेकर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं और हम आपकी समस्या जो भी होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।